बेसिकली ब्लैक होल का मॉडल है वो आजकल काफी पॉपुलर है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो अबाउट वट इज ब्लैक होल. ब्लैक होल ऐसी जगह है जहां कोई चीज फेंको तो वापस नहीं आती. ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा वहां क्या है, तो एनीथिंग विच अट्रैक्ट्स ओके इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज इट मीन्स इट्स वेरी हैवी इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, इसलिए तो सब चीज उसके पास जाती है. बट कोई भी चीज जब जाती है किसी के पास तो इट नेवर मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ. ओके, बिकॉज ये जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है टाइम के साथ वो एक कर्व्ड सरफेस है. स्पेस टाइम इज ए कर्व्ड सरफेस. ओके, तो फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द हेवनली बॉडीज जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है दे मूव इन अ सर्कुलर पाथ सेंटरिंग अराउंड सन. ओके, और सेंटरिंग अराउंड यदि ब्लैक होल है तो वो घूमते हुए उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगी, घूमेंगी एंड देन दे विल नेवर कम बैक. ओके, और जो ही पास जाती है उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. ओके, तो उस तरह की डायनेमिक्स को कर्व्ड सरफेस पे देखते हैं. ठीक है, तो ये कर्व्ड सरफेस डिजाइन की एक्सपेरिमेंटली बाइसिकल रिम है बेसिकली, और ये फ्लेक्सिबल शीट है जो गाड़ियों का सीट कवर होता है वो. ओके, टाइट कर दिया. तो नाउ इस रेल से कोई भी ऑब्जेक्ट हम छोड़ें तो हाउ इट मूव्स. एक तो सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर के पाथ के साथ साथ बिकॉज ऑफ कर्वेचर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है. ओके, और रेडियस ऑफ सर्कुलेशन भी चेंज हो रहा है ना, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, सेंटर में काफी ज्यादा हो जाती है. इट्स डायनेमिक्स इज एनालोगस टू द डायनेमिक्स इन ब्लैक होल. ओके, यदि हम दो बॉडीज साथ साथ भी छोड़ेंगे तो दे विल मूव इन देयर इंडिपेंडेंट ट्रैक. तो देर आर सेवरल ऑब्जेक्ट्स विच आर सर्कुलेटिंग अराउंड बट दे नेवर कोलाइड ईच अदर. सब अपने अपने रास्ते चलते रहते. ओके, तो दैट्स नॉर्मली द स्पेस डायनेमिक्स. तो स्पेस डायनेमिक्स हम फिजिकली लैब में नहीं कर सकते. तो दिस इज अ मॉडल. ओके, रिप्रेजेंटिंग इन डायनेमिक्स इन अंडर द कर्व्ड सरफेस. ओके, हैविंग स्पेस टाइम एज ए कर्व्ड सरफेस. ठीक है, तो स्पेस की डायनेमिक्स जैसी डायनेमिक्स ऊपर से हम वीडियो लें तो वैसी नजर आएगी.